हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल हर्षित फिजियो फिटनेस। दोस्तों, मैं वैसे ये वर्कआउट कर रहा था, से एकदम से दिमाग में एक टॉपिक आया तो वो आप शेयर करना चाहता हूँ लोगों के साथ में। थोड़ा सा ब्रीदिंग का प्रॉब्लम आ सकता है, अभी वर्कआउट चल रहा है अभी। सो हम बात करने वाले हैं आज एसी वर्सेस नॉन एसी जिम। बहुत से लोगों को एक क्वेश्चन है कि क्या उनको एसी जिम के अंदर वर्कआउट करना चाहिए या फिर नॉन एसी जिम के अंदर वर्कआउट करना चाहिए। तो बेसिकली पहले बात करते हैं हम नॉन एसी जिम की। जहाँ एसी नहीं है तो वहाँ क्या दिक्कत आ सकती है आपको। अगर गर्मी के टाइम में वर्कआउट कर रहे हो तो मतलब ये मार्च से लेकर जुलाई तक का जो टाइम है, इस टाइम पे अगर नॉन एसी जिम के अंदर वर्कआउट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी वो हेल्थ के लिए सही नहीं है। देखो क्या होता है कि आपकी जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग इशू है, वो आपको आ सकते हैं। आप बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाओगे। अगर जिम प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो आपको दिक्कत करेगी ब्रीदिंग के अंदर। आप बहुत जल्दी स्वेट जल्दी आएगा आपके, जिसकी वजह से आप उतना लंबे टाइम तक वर्कआउट नहीं कर पाओगे, वो जल्दी एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो ये छोटा मोटा नुकसान है नॉन एसी जिम के अंदर वर्कआउट करने का गर्मियों के अंदर। अगर सर्दियों में आप कर रहे हो, अगर आपको ब्रीदिंग का कोई इशू नहीं हो रहा तो कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन गर्मी में कर रहे हो, ट्राई करो एसी जिम के अंदर वर्कआउट करो। बात करते हैं एसी जिम की। जो लोग भी एसी जिम के अंदर वर्कआउट करते हैं वो अच्छे से ब्रीदिंग कर पाते हैं। तो बीच में कॉल आ गया था, सॉरी। सो हम बात करते हैं एसी जिम की। तो जो लोग एसी जिम के अंदर वर्कआउट करते हैं तो वो अच्छे से ब्रीदिंग प्रॉपर कर पाते हैं, इतनी जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, तो वो उस मुकाबले लंबे टाइम तक वर्कआउट परफॉर्म कर पाते हैं। सो एग्जॉस्ट नहीं होंगे, अच्छे से वर्कआउट कर पाओगे, अच्छे से मसल ग्रोथ होगी बेसिकली। तो कहीं ना कहीं ये एसी जिम मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एसी जिम के अंदर वर्कआउट करो। केवल ये 21 से 22 23 के आसपास ही टेम्परेचर जिम का होता है एसी जिम के अंदर नॉर्मली। सो गर्मी के अंदर आप करना चाह रहे हो, ट्राई करो एसी जिम के अंदर करो। बाकी दोनों में से आपको जो सूट करता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें ब्रीदिंग प्रॉपर हो रही हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, जिसमें आप अच्छे से वर्कआउट कर पा रहे हो, एग्जॉस्ट जल्दी नहीं हो पा रहे हो, उस जिम में वर्कआउट हो, चाहे वो एसी हो चाहे नॉन एसी हो। पर हाँ, कहीं ना कहीं अलग अलग दोनों जगहों के कुछ कुछ बेनिफिट्स हैं। सो ये था एक बेसिक वीडियो अबाउट एसी वर्सेस नॉन एसी जिम। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। Subscribe this channel, Harshit Physio Fitness. Thank you so much for your love and support. So, workout chal raha tha, workout continue karte hain. So, thank you so much. Stay fit, stay healthy. Tricep aa rahi hai, arms laga raha hoon aaj.